सऊदी अरेबिया ने इंडिया को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। स्पेशली इमिग्रेशन ऑफिस ने ट्वीट किया है, कोई भी इंडियन अगर वीजा के लिए अप्लाई करेगा, सऊदी अरेबिया आना चाहेगा, तो उसे पीसीसी की जरूरत नहीं होगी। पीसीसी बेसिकली पुलिस क्लैरिफिकेशन सर्टिफिकेट कहलाया जाता है, जो कि शो करता है कि क्या आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था या नहीं था। ये एक बहुत ही बड़ी खबर है इंडिया के लिए। क्या सऊदी अरेबिया को इतना ट्रस्ट है इंडियंस पर, उनको पीसीसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। 6 माह में 1,20,00,000 लोग बेरोजगार हुए। जिस वक्त पाकिस्तान बना था, तो उसके बाद भारत जो था वो रूस के बहुत करीब था, सोवियत यूनियन के करीब था, जो बहुत बड़ी कुव्वत थी जी। तो अमेरिका उस वक्त पाकिस्तान के साथ मुखलिस था। शुरू में आपने देखे उन्होंने जो हमें इमदाद दी, जो कुछ किया, तो उसमें उस वक्त ये सूरत है। इंडियन अगर वीजा के लिए अप्लाई करेगा, सऊदी अरेबिया आना चाहेगा, तो उसे पीसीसी की जरूरत नहीं होगी। पीसीसी बेसिकली पुलिस क्लैरिफिकेशन सर्टिफिकेट कहलाया जाता है, जो कि शो करता है कि क्या आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था या नहीं था। ये एक बहुत ही बड़ी खबर है इंडिया के लिए। क्या सऊदी अरेबिया को इतना ट्रस्ट है इंडियंस पर कि वो किसी भी क्रिमिनल एक्ट में शामिल नहीं होंगे, टेररिज्म में मुलविस नहीं होंगे? क्या इतना ट्रस्ट करता है सऊदी अरेबिया इंडिया पर? और अगर पाकिस्तान की बात की जाए, तो पाकिस्तानियों के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है। मुस्लिम कंट्रीज में दुबई में रिस्ट्रिक्शन लगाएगी, 5,000 दिरहम मुख्तस किए गए पाकिस्तान के लिए। तुर्की में गेट आउट पाकिस्तान इसका ट्रेंड लगा। इन्हीं कंट्रीज में इंडिया को बहुत जोर से प्रेफर किया जा रहा है, प्रिविलेजेस दी जा रही है। इनके पीछे की क्या वजूहत? अब सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि इंडिया के साथ उनकी ट्रेड है, इंडिया के साथ उनका बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है, आपको क्या लगता है पीसीसी की अब जरूरत नहीं है सऊदीया जाने के लिए? मुस्लिम कंट्री है हमारी, इंडिया पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया जा रहा है, क्या वजह है? कहीं पर इंडियंस के लिए गेट आउट इंडियंस का ट्रेंड नहीं लगा गया, इसीलिए ये बात है कि उन पर ज्यादा ट्रस्ट किया जाता है? देखिए, ये तो जब हम बात करते हैं उनकी, आप जो उनकी फॉरेन पॉलिसीज की बात करते हैं, इंडिया की, सऊदी अरेबिया और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात करें अगर, तो उनकी फॉरेन पॉलिसी पे वो मतलब एक दूसरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो उनसे पहले उनको पाकिस्तान पे ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक हमेशा उनका एक फ्रेंड जो है वो कंट्री में। आपको पता है कि यूएई ने भी पाकिस्तान पर 5,000 दिरहम की रिस्ट्रिक्शन लगा दी, जब तक हमारे पास 5,000 दिरहम नहीं होंगे हम लोग दुबई में एंटर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पेशावर से दुबई जा रही थी फ्लाइट, उसमें एक पाकिस्तानी ने बहुत गलत तरीके से वहां पर उसका रवैया था, कभी शीशे तोड़ रहा था, कभी किसी की गोद में लेट रहा था, जिसके बाद से यूएई ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, सऊदी अरेबिया ने भी हम पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। क्या लगता है आपको इन पीछे, इसके पीछे की क्या वजूहत है, और इंडियंस के साथ इंडियंस को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं ये लोग, क्या वजह? देखिए, कोई भी अगर हम पर्सनली बात करें, हमें जहाँ पे कोई अपना मफाद नजर आता है, कोई हमारा अपना दोस्त भी है, हम उसे भी अपने मुश्किल वक्त में, अच्छे वक्त में छोड़ जाते हैं, और जब हमें मुश्किल वक्त आता है तो हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं। ये सेम बात है कि अगर अब पाकिस्तान पे क्राइसिस है, पाकिस्तान इन मुश्किल हालात से गुजर रहा है, तो ये कंट्रीज जिन पे हमें बहुत ज्यादा ट्रस्ट था, या जिन पे बहुत ज्यादा हम इनको अपने अपने मुश्किल वक्त के जो हम साथी समझते थे, तो आज वो भी पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, और पाकिस्तान के जो आम आवाम है उसको वहाँ पे जाने की इस तरह उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है। एक और इंडिया के बारे में आपको बहुत बड़ी न्यूज देता चलो गाइस, सऊदी अरेबिया की तरफ से ये न्यूज है गाइस। सऊदी अरेबिया ने इंडिया को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। स्पेशली इमिग्रेशन ऑफिस ने ट्वीट किया ये कि इंडिया के जो इमिग्रेशन, जो कि इमिग्रेट